नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक जेंटल रिलैक्सेशन फ्लो करेंगे। आप ये सुबह उठ के कर सकते हैं या आप कोई एक हैवी सेशन के बाद, ट्रेनिंग सेशन के बाद वापस आए हैं या काम के बाद घर वापस आए हैं तो आप ये तब कर सकते हैं। माइंड को रिलैक्स करने की एक टेक्निक होती है कि आँखों को डिसिप्लिन करना। हर आसन में आप अपनी आँखों को एक पॉइंट पर ला के रोक देंगे और अगर आँखें बंद होंगी तो आपके आग्नेय चक्र आईब्रोज के बीच में ला के रोक। तो जब भी आप रेडी हों, जगह पर आके लेट जाएं, अपनी बैक के ऊपर हाथों का यूज करके लेटेंगे, टांगे बेंड करेंगे एंड हैप्पी बेबी पोज। टांगों को इस प्रकार से उठाएंगे, अगर टोज नहीं पकड़ जाते तो एंकल पकड़ के नीचे की तरफ पुल करेंगे, नहीं तो आप टोज पकड़ के नीचे की तरफ पुल कर सकते हैं। नीज बाहर की तरफ एंड यहीं पे होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली साइड टू साइड मूवमेंट। जब राइट साइड में जाएंगे तो राइट नी को नीचे लगाने का कोशिश करेंगे और लेफ्ट साइड में लेफ्ट नी को। 5, 4, 3। अगर पूरी नहीं लगती है तो थोड़ा सा साइड में जाके फिर आप वापस आ सकते हैं। 2 and 1। स्लोली पांव को नीचे लेके आएंगे, टांगों को सीधा कर देंगे। अब राइट लेग को उठाएंगे, पवन मुक्त आसन, घुटने के नीचे पकड़ेंगे और पुल करेंगे। होल्ड 5। लेफ्ट लेग एक्टिव। 4, 3, 2 and 1। स्लोली राइट लेग डाउन एंड लेफ्ट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के घुटने के नीचे पकड़ के पुल करेंगे। होल्ड 5। राइट लेग एक्टिव। 4, 3, 2 and 1। स्लोली दोनों घुटने ऊपर लाएंगे, घुटनों को साथ में पिंच कर देंगे और हक करके पुल करेंगे एकदम। होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली डाउन, घुटनों को बेंड रखेंगे, हाथ साइड में एंड हिप को ऊपर पुश करेंगे। जिनसे ज्यादा पुश होती है हाथों को नीचे से लॉक कर देंगे और खींच के रखेंगे। होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली डाउन। अब दोनों पांव को ऊपर लाके नमस्ते करेंगे, टोस को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे, एड़ी को नीचे की तरफ खींचेंगे और नीज को बाहर की तरफ। होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली पांव को रिलीज करेंगे और इसी प्रकार जमीन पर रख देंगे डायमंड की शेप में, दोनों हाथ थाइस के ऊपर और जेंटली आराम से नीचे की तरफ पुश करेंगे थाइस को। होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली टांगे सीधी करेंगे, दोनों हाथ आपके टी पोजीशन में, राइट लेग ऊपर लेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट में देखेंगे। होल्ड 5, 4,
3, 2 and 1 स्लोली राइट लेग बैक अप, नीचे लाएंगे राइट लेग को, लेफ्ट लेग को लेंगे ऊपर, राइट साइड में ड्रॉप करेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में देखेंगे, होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1 स्लोली लेफ्ट लेग अप एंड नीचे आएगा लेफ्ट लेग, हाथ साइड में। अब सर्वांगासन के लिए दोनों पांव को ऊपर लेंगे, जिनके इतने जाते इतने सही, जिनसे थोड़े और पीछे जाते थोड़े और पीछे, जो पूरा स्विंग करके पांव को पीछे टच कर सकते हैं पीछे कर देंगे, फिंगर्स को लॉक और हाथ सीधे यहीं पे होल्ड करेंगे, 5, 4 मैक्सिमम वेट शोल्डर पे होना चाहिए, हेड आपका फ्री होना चाहिए, 3, 2 and 1 स्लोली वापस आएंगे, हिप्स नीचे एंड यहीं पे आके थोड़ा रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और खींचेंगे ताड़ासन जैसा, सुप्त ताड़ासन लेटे हुए, तो उस पॉइंटेड एब्डोमेन में स्ट्रेच फील होना चाहिए, होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1 स्लोली हाथों को रिलैक्स करते हुए वापस लाएंगे, राइट साइड में टर्न होंगे और ऊपर आके बैठ जाएंगे सुखासन में, स्पाइन सीधी, राइट लेग को राइट साइड में निकालेंगे, टो फ्लेक्स्ड, यह आपकी साइड की मसल्स के लिए स्ट्रेच रहेगा और साइड की मसल से ये आपके लोअर बैक में भी जाएगा, राइट हैंड आपकी लेफ्ट थाई पे, राइट लेग एक्टिव, लेफ्ट हैंड एकदम खिंचा हुआ, राइट साइड में बेंड करेंगे, जो नीचे जाके पांव पकड़ सकते हैं, चेस्ट को अंदर पुल करेंगे और टर्नों के ऊपर देखेंगे, जिनसे नहीं होता वो जितना सहज भाव से झुका जाता है नीचे उतना जाएंगे, टर्न होंगे लेफ्ट साइड में देखेंगे एंड होल्ड, आपको ये पोर्शन में अच्छे से स्ट्रेच फील होना चाहिए, 5, 4, 3, 2 and 1 स्लोली बैक, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट लेग की तरफ जाएंगे सीधा नीचे, जिससे जितना नीचे जा सकता उतना नीचे जाएंगे, होल्ड 5, राइट टो एक्टिव रहना चाहिए, 4 ताकि आप नीज को नीचे पुश करते रहो हमेशा और काफ मसल पर अच्छा स्ट्रेच आए, 3, 2 and 1 इनहेल, दोनों हाथ अप एंड साइड में लाएंगे, राइट लेग अंदर लेफ्ट लेग बाहर, लेफ्ट टो फ्लेक्स्ड, लेफ्ट हैंड राइट थाई में, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे और राइट साइड में देखेंगे, होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1 स्लोली वापस, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, लेफ्ट लेग की तरफ टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, जिससे जितना जाया जा सकता उतना नीचे जाएगा, होल्ड 5, 4 लेफ्ट टो फ्लेक्स रहना चाहिए, 3, 2
एंड वन इनहेल, दोनों हाथ अप, टर्न होंगे एंड हार्ट डाउन, लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों अंदर लेंगे, सुखासन में बैठेंगे, कमर सीधी, लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट करेंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2, and 1, slowly back, left hand पीछे, right hand left knee पे, pull करेंगे right hand से, spine सीधा और सांस छोड़ते हुए twist, आंखों को hold करेंगे एक point पे, 5, 4, 3, 2, and 1, स्लोली वापस आएंगे, पांव खोल लेंगे अभी वी में, जितना खुल सकता है उतना, दोनों हाथ अंदर की तरफ, स्पाइन को सीधा करेंगे, टोज दोनों एक्टिव होने चाहिए और सामने की तरफ फ्रंट एंड बैक, आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे, जेंटल मूवमेंट होना चाहिए, आपके पूरे इनर थाइज में, ग्रोइन सेक्शन में आपको स्ट्रेच फील होगा, कईयों को घुटनों के नीचे ज्यादा स्ट्रेच फील होता है अगर उनको लिगामेंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना दर्द हो कि आप उसे सहन कर सकें, ज्यादा एक्सट्रीम में दर्द नहीं होना चाहिए, और जो नीचे जा सकते हैं चिन जमीन पे लगा सकते हैं वो पूरा नीचे जाएंगे और अप एंड डाउन बार बार करेंगे, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, अब जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाएंगे, अगर हल्का सा ही जा पाते तो हल्का सा ही जाएंगे, थोड़ा और ज्यादा जा सकते तो और जाएंगे, एल्बो रख सकते तो एल्बो रख देंगे, यहीं पे होल्ड, जो हाथ खोल के पूरा नीचे जा सकता है पूरा नीचे चले जाएगा, यहीं पे होल्ड करेंगे, 5, टोज एक्टिव, 4, 3, 2, and 1, इनहेल अप, दोनों पांव को लाएंगे साथ में, बटरफ्लाई करेंगे, स्पाइन सीधी, नीज अप एंड डाउन, 3, 2, and 1, घुटने ऊपर हैं तो एल्बोस को काफ मसल पे लगाएंगे आपकी, पुश करेंगे एल्बो से और सर को जितना आगे ले जा सकते हो उतना आगे ले जाएंगे, होल्ड, 5, 4, 3, 2, and 1, इनहेल अप, दो उंगलियों से बिग टो को पकड़ेंगे, राइट लेग को सामने की तरफ लेके आएंगे, होल्ड, 3, 2, 1, अब राइट लेग को राइट साइड में ले जाएंगे, होल्ड, 3, 2, 1, एंड बैक, लेफ्ट लेग सामने, होल्ड, 3, 2, 1, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड में, होल्ड, 3, 2, 1, एंड स्लोली बैक, अब दोनों पांव को वी पोजीशन में उठाएंगे, होल्ड, एक पॉइंट पे देख के रोकेंगे आंखों को, 5,
फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली पांव नीचे एंड टर्न होके अपने घुटनों पे आ जाएंगे और हाथों पे मर्जरी आसन, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड एक्सहेल डाउन, चेस्ट को पुल करेंगे एकदम, इनहेल टू अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल थ्री अप एंड एक्सहेल डाउन, न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे, नीज को खोल लेंगे थोड़ा, लेफ्ट हैंड सेंटर में पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड को शोल्डर ऐसा झुका नहीं होना चाहिए, पुश करेंगे और राइट हैंड अप और ऊपर देखेंगे, होल्ड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली राइट हैंड को लेंगे, थ्रेड इन करेंगे, राइट शोल्डर जमीन पे, लेफ्ट हैंड सीधा, होल्ड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक अप, अब राइट हैंड सेंटर में पुश करेंगे और लेफ्ट हैंड अप, होल्ड फाइव, आंखें रोकेंगे एक पॉइंट पे, फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली लेफ्ट हैंड डाउन, थ्रेड इन करेंगे, राइट हैंड स्ट्रेट एंड होल्ड फाइव फोर थ्री टू एंड वन, स्लोली बैक अप, साइड में बैठेंगे सुखासन में, स्पाइन सीधी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे, जिनको एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं आती वो मेरा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, एक हाथ आप पेट पर रखेंगे, पांच ब्रेथ करेंगे, हर ब्रेथ के साथ पेट बाहर जाना चाहिए, इनहेल के साथ और एक्सहेल के साथ पेट अंदर, एक पॉइंट पे देख के आंखें बंद करेंगे एंड एक्सहेल रेचक, इनहेल वन एंड एक्सहेल, इनहेल टू एंड एक्सहेल, इनहेल थ्री एंड एक्सहेल, इनहेल फोर एंड एक्सहेल, इनहेल फाइव एंड एक्सहेल, रिलैक्स करके साथ में लाके घर्षण करेंगे हाथों का, हल्की सी गर्माहट पैदा करके आंखों पे लगाएंगे एंड स्लोली आंखें खोलेंगे, धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।